आज बात एक ऐसी लड़की की जिसने इतिहास रच दिया है। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को एविएशन म्यूजियम में इन्हें जगह मिली है और हैरानी की बात यह है कि यह दुनिया की पहली ह्यूमन बीइंग है जिन्हें इस प्रतिष्ठित म्यूजियम में शामिल किया गया है। यहाँ तीन अच्छी खबरें हैं, एक ये भारतीय है, दूसरी ये महिला है और तीसरी पायलट है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन ज़ोया अग्रवाल की जिन्हें ये खास सम्मान मिला है। आइए देखते हैं ये अच्छी खबर। ज़ोया ने जो कर दिखाया है वो सोच से भी परे है। बोइंग 777 की एयर इंडिया पायलट कैप्टन ज़ोया अग्रवाल ने सैन फ्रांसिस्को एविएशन म्यूजियम में बनाई है जगह। ये एक बेहद खास गौरव है जहां वो भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली इंसान हैं जो कि मौजूदा वक्त में एविएशन हिस्ट्री के सुनहरे पन्नों में शामिल हुई हैं। ये सम्मान कैप्टन ज़ोया अग्रवाल को इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने एक ऑल वुमेन पायलट टीम की अगुवाई करते हुए यूएसए में सैन फ्रांसिस्को से भारत के बेंगलुरु शहर तक नॉर्थ पोल को कवर किया। ये दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग था। ज़ोया को 10 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। नॉर्थ पोल के ऊपर विमान उड़ाने वाली वो पहली भारतीय महिला पायलट हैं जिन्होंने लगभग 16,000 किलोमीटर की रिकॉर्ड तोड़ दूरी इस सफर में तय की। ज़ोया लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की हमेशा वकालत की है। SFO ने उनकी इस खूबी को सराहा है। बीते साल जनरेशन इक्वालिटी के तहत ज़ोया अग्रवाल यूनाइटेड नेशंस में महिला प्रवक्ता भी बनी थी। इंस्टाग्राम पर भी ज़ोया का जलवा है, यहाँ उनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट म्यूजियम एविएशन की दुनिया में खास रुतबा रखता है। ये 1990 में खुला और यहाँ एविएशन की पूरी हिस्ट्री दर्ज है। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा चीजें म्यूजियम का हिस्सा हैं। ऐसे में भारतीय पायलट ज़ोया अग्रवाल का इसमें शामिल होना भारत के लिए भी फख्र की बात है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल अच्छी खबर को जरूर सब्सक्राइब करें और इस खबर को शेयर करें। अपना फीडबैक भी हमें जरूर दें।